हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन सनशाइन स्टडी। आज की जो वीडियो है वर्कशीट नंबर 19 से रिलेटेड रहेगी, जो इंग्लिश की क्लास 6 की 13 सितंबर की है। और ये जो आपकी इंग्लिश की जो बुक है उसमें जो आपका लेसन है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर, कि एक कुत्ते ने किस प्रकार से अपना जो मालिक है वो ढूंढा अपने आप। तो फटाफट पढ़ते हैं इसको, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, प्रिंटेड फॉर्म में आपको आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। फटाफट स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन अ फॉरेस्ट, ये कह रहे हैं एनिमल्स मतलब जितने भी सब जानवर जो फॉरेस्ट में रहते हैं मतलब जंगल में रहते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, मतलब जंगली जानवर उनको कहा जाता है। फिर कह रहे हैं एनिमल्स दैट लिव विद अस इन अवर हाउस आर कॉल्ड पैट एनिमल्स, ये कह रहे हैं वो जानवर जिन्हें हम अपने घरों में रखते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है पैट एनिमल्स। क्या बोला जाता है? पैट एनिमल्स। उसके बाद आगे सुनिए, एनिमल्स दैट हैव बीन टेम्ड, ये कह रहे हैं ऐसे जानवर जिनको पाला जाता है, टेम मतलब पाला जाता है। आगे एंड केप्ट बाय ह्यूमंस, या जो इंसानों के द्वारा रखे जाते हैं, एज वर्क एनिमल्स मतलब जिनसे काम करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है, काम करवाया जाता है। और फूड सोर्स मतलब जिनसे कुछ खाने की चीज़ प्राप्त की जाती है उनको बोला जाता है डोमेस्टिक एनिमल्स। बच्चों अब आपको क्लियर हो गया ना, वाइल्ड एनिमल उनको कहेंगे जो जंगल में रहते हैं, ठीक है, और पैट एनिमल उनको कहेंगे जो हमारे घरों में रहते हैं, ठीक है, जो हमारे घरों में आराम से रहते हैं। लेकिन अगर जो जानवर जिनसे हम कोई काम करवा रहे हैं या जिनसे हम कुछ खाने का सोर्स ले रहे हैं, जैसे गाय हैं, गाय से हम दूध लेते हैं ना, है ना, मुर्गी है उससे आपको क्या मिलता है, एग मिलता है, है ना। ऐसे ही बहुत सारे जानवरों को हम पालते हैं, ठीक है, कोई काम करवाने के लिए, जैसे घोड़े से हम काम करवाते हैं, गधे से हम काम करवाते हैं, है ना, बैल से काम करवाते हैं। तो ये सारे जानवर जो होते हैं ना बच्चों डोमेस्टिक एनिमल्स कहलाते हैं। आगे सुनिए, लाइक अस ऑल एनिमल्स नीड शेल्टर टू लिव इन, ये कह रहे हैं हमारी तरह ही ना इन जानवरों को जो है शेल्टर की मतलब रहने के लिए एक जगह की जरूरत होती है, ठीक है। और शेल्टर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट, जो शेल्टर है ना मतलब जैसे घर है तो वो उनको गर्मी से बचाता है, कोल्ड से बचाता है मतलब ठंड से बचाता है, रेन यानी कि बारिश से बचाता है, एंड एनिमीज मतलब दुश्मनों से बचाता है। समझ में आ गया बच्चों? आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, देयर शेल्टर्स आर देयर होम्स, जो शेल्टर्स है ना वो उनके घर होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। आगे देखिए, डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ होम्स, ये कह रहा है अलग अलग जो जानवर होते हैं वो अलग अलग घरों में रहते हैं। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन? अब देखिए, आपको अपनी कॉपी पर पहले ये तो आप मेंशन करेंगे कौन सी तारीख है वगैरह वगैरह, है ना। उसके बाद तो आपको दो क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ बोला गया है आपको आइडेंटिफाई करना है एनिमल्स को, ठीक है, उसके बाद आपको उसका जो है नेम लिखना है, ठीक है। तो ये पहले आप क्वेश्चन देख लो, फिर मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको मैचिंग का है। अब अगर आप पिक्चर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, नहीं तो आप क्या कीजिएगा, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार, नंबर पाँच करके इनको कीजिएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है कि ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ना, ये पैट एनिमल की है या वाइल्ड एनिमल की है। तो पहले आपको उसका नेम लिखना है कि इसका नेम क्या है, उसके बाद आपको बताना है ये पैट है या वाइल्ड है। समझ में आ गई? जैसे ये कौन है, वोल्फ, तो ये क्या है, वेट, ओह सॉरी वाइल्ड, ठीक है। तो फटाफट मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले में ना आपको क्या करनी है, मैचिंग करनी है कि लायन का घर कौन सा होता है, हैन का घर कौन सा होता है, काऊ का घर कौन सा होता है, ठीक है। तो आप पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे फटाफट देखिए इसके आंसर के साथ, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको कॉपी पर कैसे नोट करना है, पिक्चर बनाएंगे तो वो भी कोई बात नहीं। तो नंबर एक लिखना, कैट इज़ अ पैट एनिमल, मतलब जो बिल्ली है ना वो एक पैट एनिमल है क्योंकि हम उसको पालते हैं। फिर दूसरे नंबर पर हमारा कौन सा है, वॉल्फ, ठीक है। दो नंबर लिखना, वॉल्फ इज़ अ वाइल्ड एनिमल, मतलब जो वॉल्फ है, ठीक है, वो क्या है, वाइल्ड एनिमल है, मतलब एक जंगली जानवर है। उसके बाद नेक्स्ट है बेयर, बेयर इज़ अ वाइल्ड एनिमल, बेयर कौन है, वाइल्ड एनिमल है, इसको हम घर पे नहीं पाल सकते ना, जंगल में रहता है। उसके बाद डॉग, ठीक है, डॉग क्या है, एक डोमेस्टिक एनिमल मतलब एक पालतू जानवर है, ठीक है, घर पर पालते हैं ना। तो टाइगर, टाइगर क्या है, वाइल्ड एनिमल है, इसको भी घर पर नहीं पालते तो जंगल में रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या, लायन, तो लायन क्या, वाइल्ड एनिमल है। क्लियर हो गया आपको डियर स्टूडेंट्स? अब उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर, ये कह रहा है मैच द एनिमल्स विद देयर होम्स। अब आपको जितने भी सारे एनिमल्स दे रखे हैं ना उनको आपको
क्या बताना है कि उनका घर कौन सा है। तो आप कॉपी पर ये करना, ये नहीं लाइन डाल के दूसरा करने लग जाओ, तो आप पहले जो है ये करना, उसको नीचे से आप ये स्टार्ट करना, ठीक है। जैसे बहुत से स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन फिर भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर दो कि कोई बच्चा जो है गलत नोट ना करे, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी वही कर सकते हो, पिक्चर बनाने तो बना सकते हो, टाइम ज़्यादा लगेगा तो आप सिंपल यहाँ पे जो भी नेम है ना वो लिख देना, ठीक है। ये जितने भी नेम है ये सब आप लिख देना, उसके बाद यहाँ पे लिख देना राइट में, ठीक है। उसके बाद मैचिंग कर देना। आप दूसरे तरीके से क्या कर सकते हो, लाइन के आगे सीधा उसके घर का नाम बता सकते हो कि लाइन का घर कौन सा है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे आप सीधा सीधा आंसर भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप मैचिंग करना चाहिए मैचिंग कर लें। तो मैं आपको थोड़ा बता दूँ, जो लायन है ना, लायन जो है वो डैन में रहता है, गुफा में, है ना। उसके बाद हैन जो है ना, और डियर स्टूडेंट्स हैन जो है ना वो कहाँ रहती है, कूप में रहती है। उसके बाद जो है काओ, काओ तो आप सबको पता है डियर स्टूडेंट्स कहाँ रहती है, शेड में, है ना। जो माउस है वो कहाँ रहता है, ठीक है, सबको पता है, होल में रहता है, है ना। उसके बाद हॉर्स जो है वो कहाँ रहता है, स्टेबल में, ठीक है, अस्तबल में। उसके बाद एंट कहाँ रहती है, एंट हिल में। क्लियर हो गया, ये आपके लिए आंसर्स के साथ मैंने करा ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से सीख भी जाएं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये चैनल स्पेशलिस्ट 6th क्लास के लिए है, और एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन होगी आपको प्रोवाइड की जाएगी, और भी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी, ठीक है। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।